Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. And today I have a very young but very dynamic student with me. He is Mr. Mijanur Mondal, who has qualified UGC NET in the subject of geography. He's a 21-year-old master's pursuing student, and unhone apne first attempt mein hi UGC NET in geography crack kar liya hai. So heartiest congratulations, Mijanur, and welcome to our channel. Thank you, sir. Thank you very much. Mijanur, how does it feel? You are just 21. 21 ki age mein aapne UGC NET qualify kar liya. You are still pursuing your masters. So how does it feel, Mijanur? Sir, I'm feeling very good. Aur mujhe bahut acha bhi lag raha hai. And kyunki mera ek pehle se strategy tha. Lekin first attempt mein NET mujhe clear karna hai. And maine clear kar gaya hai. Aur main apne goal ki taraf aage badh raha hu. To mujhe bahut acha feel lag raha hai, sir. Bahut acha. Heartiest congratulations, Mijanur, once again from the whole team of Anuj Jindal. आपने बहुत मेहनत करी है during this lockdown and वो clearly दिख रही है. And I'm sure कि आज जो students आपको सुनने वाले हैं, हमारे जो viewers हैं, वो आपसे inspiration भी लेंगे and आपकी strategy से उन्हें बहुत ज़्यादा benefit भी होने वाला है. So Mijanur, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि what has been your educational qualification before qualifying this prestigious exam of UGC NET in geography? क्या-क्या pursue किया आपने वो बताइए हमें. सर मैंने अपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है ज्योग्राफी की से एंड अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ. फर्स्ट ईयर अभी थोड़े दिन ही कम्प्लीट हुआ है मेरा एमएससी इन ज्योग्राफी एंड करंटली आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ एमएससी इन ज्योग्राफी. ठीक है, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आप फाइनल ईयर में हैं, अभी आपको पूरा एक साल बाकी है मास्टर्स में. सो आप मुझे ये बताइए कि कब आपको रियलाइज हुआ दैट यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर, एंड कब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी और कैसे? सर मैंने जब एचएस क्वालिफाई किए थे अपने स्कूल से, सर मुझे पहले से क्लियर था मुझे प्रोफेसर बनना है एंड आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माय ब्लॉक आल्सो एंड इन डेली लोकल न्यूज मेरा एक प्रिंट भी आया था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले गया था, वहाँ पे भी लिखा है मैंने प्रोफेसर, जो गोल मेरा पहले से ही है सर 12th की वक्त से. थोड़ा सा ब्रेक आ गया था ग्रेजुएशन के टाइम में, जब 2021 का जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आया था, फिर मैंने सर आपकी वीडियो में पहले से ही देखता था, तो एक दिन मैंने आपको देखा पीएचडी के बारे में, जीआरएफ के बारे में मैंने देखा है, जो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करना पड़ेगा और मेरा गोल भी मैं अचीव करना पाऊंगा इफ आई गेट जीआरएफ. एंड फिर मैंने आपको, मेरा जो गोल था प्रोफेसर का और पीएचडी करने का, फिर मैंने वो डिसाइड किया है मुझे पीएचडी में ही जाना है पहले एंड मुझे जीआरएफ भी क्लियर करना है इन द मास्टर्स प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम में मुझे करना है. ये मैंने आपकी जो वीडियो सारे वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने वहाँ से बहुत क्लैरिटी मिला है मुझे एंड आई क्या बोलते हैं, मुझे रेज्यूमेट हुआ है मेरा जो गोल जो था पहले का जो गोल, मुझे रेज्यूमेट आपके वीडियो से हुआ है सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर सेइंग दैट मिजनूर, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं एज मेंटर्स, बट इट इज स्टूडेंट्स लाइक यू जो अपनी मास्टर्स परस्यू करते हुए इतनी हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तभी आपका ये एग्जाम क्लियर हुआ है. So now that brings me to the next question, कि क्या study materials आपने refer किए for specifically for paper one as well as for paper two geography, इसके बारे में हमें कुछ बताइए. सर मैंने पहले मेरा जो preparation when I have been studying my preparation, मैंने previous year question और syllabus मैंने देखा था, फिर मुझे realize हुआ जब paper one में थोड़ा सा मेरा problem है and मुझे एक mentor भी guidance भी चाहिए. And I have started to search here and there in YouTube also, in Google also. And मैंने आपको चैनल भी मिला है, पहले एक दो चैनल भी मिला है, मैंने बातें भी किया है सर, बट मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं आया था सर. फिर मैंने आपसे बातें दो तीन बार भी किया है सर, फोन में भी बातें किया है सर, कहीं नहीं मिला है सर. फिर मैंने आपको वीडियोज भी देखा है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पेपर वन ऐसे ही लेना है, अनुज जिंदल से ही लेना है. फिर मैंने onezilla.com में गया और सब्सक्रिप्शन भी लिया है एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर पेपर. बेसिकली मेरा प्रॉब्लम मैथमेटिक्स भी था, मैंने देखा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हुआ मिला. तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, अगर पेपर वन के लिए दे वांट टू परस्यू एनी कोर्स, दे कैन सर्च फॉर आपके जो कोर्स थे पेपर वन, वो लोग मुझे, मैं रेफर करूंगा पर्सनली. ये मुझे बहुत हेल्प आए और लॉकडाउन में भी मुझे बहुत कम आया सर. और पेपर टू के बारे में जो बोलूँ मैं, मेरा तो ज्योग्राफी है एंड सेल्फ स्टडी मैंने बहुत ज़्यादा भी किया है सर. सेल्फ स्टडी जरूरी है और ऑनलाइन जो अभी तो सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैंने बहुत ज्यादा सर ऑनलाइन कोर्स यूज किया है, बहुत ज्यादा.
ठीक है, थैंक यू सो मच मिजानूर फॉर सेइंग दैट। आई एम श्योर कि आपकी बातें सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं एंड वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मिजानूर, कि आपका डेली रूटीन क्या था, क्योंकि आप अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे थे, आपकी क्लासेस भी चल रही होंगी ऑनलाइन, सो इट वुड हैव बीन वेरी चैलेंजिंग। तो क्या स्ट्रैटेजी आपने रखी पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए, कितना टाइम डिवोट किया, इसके बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए। स्ट्रेटेजी जो था, अगर मेरा तो सुबह से क्लास स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन में, अभी तो लॉकडाउन में चल रहा है, तो मैंने ये डिसाइड किया था मुझे एटलीस्ट 3 or 4 hours मुझे देना चाहिए यूजीसी नेट, अगर रानी में क्लियर करना है 3 or 4 hours, तो मैंने डेडिकेटेड लिया यार। पूरा लॉकडाउन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था पहले, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था तो घर में आकर थोड़ा सा एनवायरमेंट का प्रॉब्लम हो गया था, फिर मैंने सेट किया अपने तरफ से और मुझे डेडिकेटेडली मुझे 3 or 4 hours देना था। एक आवर या डेढ़ा मैं पेपर वन का देता था और बाकी मैं पेपर टू को देता था, और बाकी टाइम में अपने सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना था, और उसमें वीकेंड में थोड़ा टाइम मिल जाता तो मॉक टेस्ट या थोड़ा पीवीएस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता। और आपकी जो यूट्यूब में वीडियो सर आता है 30 या 40 मिनट इन एवरी इवनिंग, वो मैं सर देखता था डेली, वो मुझे देखना चाहिए था क्योंकि थोड़ा आपके जो क्वेश्चन का जो लेवल है उससे जान जाता मैं, और करंट अफेयर्स के बाद थोड़ा कुछ वीडियो था, ऐसे ही मैं सर गया है थोड़ा पूरा लॉकडाउन में। सर मुझे डेडिकेटेडली यू हैव टू गिव 3 or 4 hours इफ यू आर इन रनिंग स्टूडेंट, बिकॉज आपको मास्टर्स को भी ख्याल रखना चाहिए आपको, उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगा, सो यू हैव टू गो पैरेलली एंड यू हैव टू सेट योर स्ट्रेटजी ऑन योर टाइम ओन टाइम शेड्यूल। राइट राइट, तो मिजानूर वो क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजाइज किया कि कितना टाइम आपको पेपर टू को देना है, कितना टाइम आपको पेपर वन के को देना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करी एंड विच हैज ब्रॉट यू सच वंडरफुल रिजल्ट्स। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हर स्टूडेंट को कोई ना कोई डिफिकल्टी जरूर आती है, चाहे वो पेपर वन हो या फिर पेपर टू हो, तो आपको क्या डिफिकल्टी आ रही थी प्रिपरेशन करते टाइम एंड हाउ हैव यू टैकल्ड देम? सर मेरा प्रिपरेशन फर्स्ट पेपर वन में पहले से मतलब मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम था सर, क्योंकि और कुछ नया चैप्टर भी ऐड हुआ था क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग, तो सबसे प्रॉब्लम जो था मैथमेटिक्स में था। एंड मैंने आपकी जो पेपर वन के कोर्स लिए थे वहाँ पे जो सर मैथमेटिक्स का वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुआ उससे मुझे मिला है। एंड व्हाट वन थिंग आई वांट टू से सर, अगर आपको जो जिसमें प्रॉब्लम है वो आपको पहला करना चाहिए, एंड एज इन केस ऑफ मैथमेटिक्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड वन, मैंने वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उससे मिला है, मैंने प्रैक्टिस भी किया है, और अगर कोई कुछ दिक्कत आए मैंने वो क्वेश्चन आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वहाँ पे है क्वेश्चन आंसर का मैंने पुट किया है अपने क्वेश्चन, और अगर नहीं मिला जल्दी तो मैंने टेलीग्राम में मिला है 2 or 3 o'clock मैंने जब भी सर क्वेश्चन वहाँ पे पुट किया आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम योर साइड सर, थैंक यू वेरी मच सर, सच अ वंडरफुल मेंटर आई हैव गॉट इन माय लाइफ व्हिच रियली वेरी हेल्पफुल फॉर माय लाइफ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नो थैंक यू फॉर सेइंग दैट मिजानूर, सारी मेहनत आपकी है, बिकॉज आप क्लियरली कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी करी एंड देन आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी है, तो आई थिंक वो उसने ये रिजल्ट लेके आए हैं जो आप नेट वो उसके पीछे ये रीज़न है। सेकेंड ये है कि हमारा तो काम ही आपके डाउट्स क्लियर करना है, तो अगर आप कुछ डाउट्स रह जाते हैं आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे पूछते हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करें, एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें जो मिल के आपका रिजल्ट सामने आया दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। नाउ मिजानूर एक नेक्स्ट एक मेरा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है कि सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाइए एंड आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप इस बात से कितना अग्री करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं सर, पास्ट ईयर जो क्वेश्चन ये आपको थोड़ा सा हेल्प आपका रोड मैप बनाने की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम क्या है, कैसे होता है और कैसे होकर आया है पहले से, इसके लिए आपको मैंने पहले ही बोला सर रोड मैप आपको क्लियर करना चाहिए, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस ये दोनों आपको गो थ्रू करना है, बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, बट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने यू कैनॉट अचीव योर गोल, बिकॉज हर साल सर क्वेश्चन की पैटर्न जो बदलती है, हर साल क्वेश्चन की बदल ट्रेंड भी बदलते हैं, सो यू कैन टेक समथिंग आपको तो आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए, एंड इफ यू फॉलो द क्वेश्चन पैटर्न फ्रॉम 2004 और अर्लियर up to 2019 you can see a disrupt change, bahut ek fluctuation aaya question ki pattern mein, so you cannot go with the previous year only and you cannot clear your exam with only with previous year question,
यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एज वेल एज आपको जो नया पैटर्न आया आ रहा है क्वेश्चन वो आपको रिफर करना चाहिए. सो यू हैव टू, मैं जो बोलना चाहूँ आपको प्रीवियस जो 10 यूनिट्स है आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए. और अभी सर जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत एनालिटिक्स का ला रहा है, पहले वो नहीं आ रहा था डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था, अभी एनालिटिक्स जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है. आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है यू कैनॉट राइट दैट ए पर्टिकुलर आंसर इन दिस नेट एग्जामिनेशन. सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं जो बोलूंगा यू कैनॉट गो राइट. मैं बिल्कुल मिजानूर से अग्री करूंगा बिकॉज मैं हर लाइव सेशन में यही चीज बोलता हूं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं. तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए आप उसको आंसर कर पाएंगे. एंड आई एम श्योर कि जो लाइव सेशन हमने कंडक्ट किए थे जहां पे हमने अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस किए थे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुए होंगे मिजानूर. यस सर, अब जो क्वेश्चन करते हैं सर बहुत ही क्या बोलूं सर, बहुत ही एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन. मैं भी पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ. अगर हम लोगों का जो स्टडी पैटर्न है वो पूरा सा थियोरेटिकल हो गया है, बुक में हम लोग पढ़े थे, लेकिन हमें तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका मेन गोल ये टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग. तो हम लोगों का रिलेट करना चाहिए वर्ल्ड से, एनवायरमेंट से, हम लोगों का आसपास से रिलेट करना चाहिए. आप जो क्वेश्चन सर डालते हैं वो पूरा एकदम क्या बोलूँ सर, वर्ल्ड से क्या चल रहा है अभी इकोनॉमी में या रिसर्च में क्या चल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप पोस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड से. एंड इससे क्या होता है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं था रहता स्टूडेंट का वो दे कैन नॉट गिव दैट पर्टिकुलर एग्जाम आंसर. तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यही मैं स्टूडेंट को बोलना चाह रहा हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सॉल्व नहीं कर सकते. आपको जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से अभी एनटीए ने ऐसे क्वेश्चन दे रहा है क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं हम लोग कितना रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, हम लोग का एनालिटिकल माइंड कितना है. राइट राइट सर. राइट मिजानूर, अब बहुत ज्यादा बात हो गई नेट के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में. अब हम आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि सिंस आपने यूजीसी नेट इन ज्योग्राफी क्रैक कर लिया है अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अब आपकी क्या प्लान्स हैं? डू यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग या फिर अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं? ना, मुझे तो पहले ही बोला सर जीआरएफ के जो बारे में मुझे पता चला आपकी वीडियो से क्लैरिटी आया है जीआरएफ क्या होता है. अगर मैंने जीआरएफ निकल गया तो मेरा फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा एंड आई विल बी गोइंग फॉर रिसर्च क्योंकि मुझे सर रिसर्च में बहुत ही इंटरेस्ट है. बेसिकली मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वाटर से. अब अगर वर्ल्ड में देखे ज्यादा प्रॉब्लम सर वाटर जल से लाइफ सर वाटर से ही बिगिन हुआ था. तो ये मुझे बहुत लगा कि यूपीएससी में से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है सर वाटर डिस्प्यूट इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल. तो अगर ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है फ्रॉम ज्योग्राफी की बैकग्राउंड, तो मेरा एक सब्जेक्ट ये पेपर है हाइड्रोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजी और वेरी स्पेसिफिकली रिवर्स का रिवर्स ज्योग्राफी. आपने सुना भी सर होगा सर इंटरनेशनल बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री जो कहते हैं इछामती दीवार बांग्लादेश और इंडिया के पास है, मेरा घर उधर भी है एंड मैं देखकर ही बड़ा हुआ इस पर. तो मैं इछामती रिवर के ऊपर जो रिसर्च वर्क है वो थोड़ा कम है सर. मैं मेरा जो रिसर्च परस्यू करना चाहता हूँ ये इछामती रिवर के ऊपर ही करना चाहता हूँ सर. इससे बहुत सारा प्रोसेस भी हुआ है सर इछामती रिवर को लेकर. पूरा जो वेस्ट बंगाल साउथ बंगाल है सर ये साउथ बंगाल पूरा इछामती रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं. जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियलिटी इसके ऊपर डिपेंड करे. अभी ये रिवर का सिल्टेशन बहुत हो रहा है तो मेरा क्रिस्टल क्लियर है मेरा जो लक्ष्य है गोल है रिसर्च के लिए. मैं रिवर इछामती रिवर को लेकर करना चाह रहा हूँ फ्रॉम माई ज्योग्राफी बैकग्राउंड. And I want to help specifically for water in my society. So, ये मेरा सर पर्सनल जो है रिसर्च के बारे में सर. रिसर्च के भी परिचय करने का. मिजानूर, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस यंग एज में दैट इज 21 इयर्स के हैं आप एंड आपको इस एज पे इतनी क्लैरिटी है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, अब आप रिसर्च की तैयारी शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप पीएचडी में इनरोल कराने वाले हैं. सो दैट इज अमेजिंग क्योंकि इस एज में जनरली क्लैरिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स को एंड जिसकी वजह से उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है. सो दैट इज अमेजिंग मिजानूर. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन कि क्या एक एडवाइस है जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली जून 2021 में एग्जाम लिखने वाले हैं यूजीसी नेट का? सर मैंने मेरा जो फर्स्ट एडवाइस स्टूडेंट्स को यही होगा आपको व्हाई क्लियर होना चाहिए. व्हाई यू वांट टू परस्यू दैट पर्टिकुलर एग्जाम नेट और यूपीएससी और एनीथिंग एल्स. अगर आपको व्हाई क्लियर नहीं है यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ. मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना क्यों खाना है
पेट भरने के लिए, दैट विल गिव एनर्जी टू अकम्प्लिश आवर डेली टास्क. तो नेट क्यों परस्यू करना है मुझे? इधर चाहिए जो टीचिंग, आपको ऐसे वॉइस क्लियर करना चाहिए, आपको एक गोल स्टार्ट गोल बनाना चाहिए, फिर आपको आपके टाइम के हिसाब से आपके टाइम के लिए स्ट्रेटजी बनाना चाहिए. एंड आई विल रिकमेंड डोंट फॉलो एनी अदर स्ट्रेटजी ब्लाइंडली. यू कैन टेक कॉन्सेप्ट फ्रॉम अदर एंड बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजी एंड फॉलो दैट एंड स्टिक टू दैट. ये कंसिस्टेंसी सर, जो हम लोग स्टूडेंट्स है बेसिकली, जो लोग रनिंग स्टूडेंट्स है उन लोगों का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है. और इसके लिए क्या गाइडेंस भी सर जरूरी है, एक मेंटर की जरूरत है. और इसलिए मैंने सर आपको मेंटर चूज किया है. और बहुत रिसर्च करने के लिए मैं इसको यही रिकमेंड करूँ, आप मेरे बात सुनकर आप मत खरीदिए कुछ कोर्स और किसी को मेंटर मत बनाए. आप अपने तरफ से रिसर्च कीजिए, अगर आपको पसंद है, आपने सोचा है मी ही इज बेस्ट फॉर मी, देन यू कैन गो फॉर दैट. एंड मैंने चूज किया है. और मुझे सबसे अच्छा यही लगा ये स्टूडेंट्स को मैं बोलना भी चाहूँगा, मेरा जो लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो गया था, कोर्स मुझे खत्म हो गया था, मैंने आप सब लोग कॉल भी किया था, आप लोग अक्टूबर तक मुझे एक्सटेंशन किया है जो अदर्स में नहीं मिलते सर. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोगों का जो विजन है सर, onajindal.com की जो विजन है सर, वो स्टूडेंट सेंट्री है. स्टूडेंट को बहुत हेल्प करते हैं, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं किया है, नहीं आपको खत्म हो गया था फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. आप लोग बहुत, अरे ये भी देखा था सर, आप लोग जो प्राइम मिनिस्टर की जो फंड गया था वहाँ पे आप लोग एक फंड में वहाँ पे दिए थे. सोसाइटी की तरफ आप लोगों का जो विजन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है. और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सटेंशन किया कोर्स, इससे सर बहुत हेल्पफुल है. क्योंकि स्टूडेंट ऐसा होता है, आप ही तो लॉकडाउन में सबका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा खराब भी था, और आप लोग अगर ड्रीम बहुत स्ट्रांग है और परस्यू करने को आपको तो गाइडेंस चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, तो अगर पैसे भी नहीं है तो यू कैनॉट गो फॉर दैट. एंड आई हैव गॉट फ्रॉम यू गाइस एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. एंड एडवाइस यही देना चाहूँगा, आपको गोल ठीक कीजिए, वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टिक रहिए. और अगर आपको मेंटर चाहिए तो आप अनुजिंदर सर से बातें कीजिए. अगर आपको पसंद आए, इफ यू थिंक इट इज बेस्ट फॉर स्वीट फॉर यू, यू कैन गो फॉर दैट. थैंक यू सर. मिजनूर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समअप कर दी हैं. कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है आपकी तैयारी में, कि आप कांस्टेंट रहें. बिकॉज अगर बहुत लंबा ब्रेकेज भी आ जाता है बीच में, एक डेढ़ महीने आप छोड़ देते हैं, तो सब फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ती है, सारे कंसेप्ट आपके वॉश आउट हो जाते हैं. एंड सेकेंड चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगी आपके बारे में, कि आप ये चीज़ समझ रहे हैं, आपके दिमाग में इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आप एक एग्ज़ाम क्यों करना चाहते हैं. सो आई थिंक ये दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं रहती है, जो मुझे लगता है कि आपकी वीडियो देखने के बाद उनको शायद इंस्पिरेशन मिले एंड वो आपकी बातों से अच्छी चीज़ें सीख सकें. सो थैंक यू सो मच मिजानूर हमें चैनल पे ज्वाइन करने के लिए एंड अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल टीम ऑफ अनुजिंदर. थैंक यू सो मच मिजानूर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.